जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का 9 लेसन का त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग, उनका परिचय को हम लोग आज देखेंगे। चलिए परिचय से पहले हम आपको डिफिनेशन दिखा देते हैं, इसमें क्या क्या लगेगा और क्या चीज़ का मान कब पुट होगा, वैल्यू होगा, इस चीज़ से आप देख लीजिए पहले, ठीक है। तो चलिए हम सर्वप्रथम इसको देखिए, उन्नयन कोण, देखिए क्या लिखा है। सर्वप्रथम उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी पहले त्रिकोणमिति का, अगर त्रिकोणमिति का आप डिफिनेशन, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होगा, तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, देखिए त्रिकोणमिति, अगर आप त्रिकोणमिति का भी डिफिनेशन चाहते हैं यहाँ पर, तो त्रिकोणमिति का डिफिनेशन होता है जो तीन शब्दों से मिलकर बना है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, जिसमें त्रि का अर्थ क्या होता है तीन और मिति का अर्थ क्या होता है मापना, अर्थात तीनों कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। आप ये सिंपल सा डिफिनेशन दे सकते हैं। और चलिए हम लोग पहले उन्नयन कोण देख लेते हैं क्या होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब आपको महत्वपूर्ण चैप्टर होगा और कुछ सूत्रमान आपको ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए सर्वप्रथम उन्नयन कोण देखते हैं। क्या कहता है, किसी ऊंची मीनार या स्तंभ के शिखर को, किसी ऊंची मीनार या स्तंभ के शिखर को भूमि के किसी बिंदु से देखने पर बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यानी किसी ऊंची मीनार, मीनार मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए और स्तंभ, मीनार का मतलब हो गया मीनार समझ गए, और स्तंभ का मतलब कोई खंभा, कुछ भी हो, और भूमि के उस बिंदु से देखने पर बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यानी कोई एक मीनार या खंभा है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक मीनार या खंभा है, ठीक, और देखिए भूमि के एक बिंदु से ठीक इसके सामने, क्योंकि यहाँ से धरती पर से ही खड़ा रहता है ना, यहाँ जो होगा देखिएगा, अगर भूमि के किसी बिंदु को देखेंगे तो यहाँ सामने से देखेंगे ना, इसी सामने से, क्यों, क्योंकि इसके नीचे जो होगा ये अर्थ, कुछ अर्थ होगा यानी पृथ्वी होगा ना इसे नीचे से, क्योंकि भूमि जो होगा पृथ्वी, आसमान, आसमान में थोड़ा ही खड़ा रहेगा, अभी किस में खड़ा रहेगा, ये तो भूमि पर ही खड़ा होगा। तो देखिए यहाँ से और किसको देखने पर भूमि के किसी बिंदु से ऊंची मीनार या स्तंभ के शिखर को देखने पर, यहाँ पर क्या है इसका, देखिए था क्या है, ये शिखर हो गया इसका, इसको बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ नीचे जो रहता है इसको पाद भी बोलते हैं, तो इसे देख लीजिएगा, इसे पाद ही बोलते हैं, नीचे का जो होगा ना सतह उसको पाद ही बोलते हैं। देखिए अब यहाँ से जो देखेंगे कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यानी हम यहाँ से जो देखना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं, और देख कहाँ रहे हैं, सबसे ऊपर देख रहे हैं, ऊपरी सतह को देख रहे हैं, यहाँ शिखर को, तो यहाँ से जो बनेगा कोण वो यहाँ बनेगा ना, और यहाँ से जो बनेगा, और ये दोनों क्या है, ये तो सेम है, पाद बिंदु तो क्या होगा, मिल जाएगा, है ना, और यहाँ से जो बनाएगा कोण ये क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, यहाँ जो बनेगा कोण क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, अर्थात आप मानते हैं इसको ए और इसको बी और इसको सी, ऐसे ही मानते हैं। आप एक चीज़ और देख लीजिए, इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, तो इसके ठीक सामने वाला पी भी होता है और बी भी होता है, कंडीशन में पी का अर्थ होता है गाइस क्या, तो पी का अर्थ होता है लंब और बी का अर्थ होता है आधार, आधार, और एच मतलब क्या होता है गाइस, तो कर्ण, एच का अर्थ होता है कर्ण, यानी यहाँ पर जो सामने बनेगा वो पी भी होगा। ये ठीक आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा थीटा का मान दिया, जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपको दे देगा टेन सी, है ना, टेन सी, तो थीटा का मान क्या है गाइस, सी यहाँ, क्योंकि क्या होता है यहाँ थीटा होता है, और थीटा का मान क्या दे दिया, देखिए तो गाइस ये क्या है टेन सी, इधर थीटा का मान क्या दे दिया है, थीटा का मान क्या है यहाँ पर इस एंगल से, सी के एंगल से देखिएगा, तो सामने वाला क्या होगा, अभी क्या होगा पी, क्या होगा पी, और तब नीचे वाला क्या हो जाएगा बी, नीचे वाला बी, क्यों, देखिए तो यहाँ क्या बनता है गाइस, यहाँ समकोण बनता है, समकोण कितना डिग्री का होता है, तो यहाँ 90 डिग्री बनता है समकोण। आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे त्रिकोणमिति जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एगो खड़ा लाइन और एगो पड़ा लाइन जहाँ पर मिलता है वो क्या होता है, समकोण का निर्माण करता है, यानी इसके सामने वाला क्या होगा एच होगा, इसके सामने वाला क्या होगा एच होगा, अर्थात कर्ण होगा, आ तो जो बच गया वो तो ये बी हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। अगर इसी के जगह पर आपको दे देगा सवाल में कि कहीं पर कि टेन ए बराबर निकालना है या कॉट ए बराबर निकालना है, देखिए तो कोण क्या बना रहा है, कोण क्या बना रहा है, ए बना रहा है ना, कोण क्या बना रहा है, ए बना रहा है कोण, तो ए के कोण अगर यहाँ बन रहा है तो ए के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा पी होगा ना,
ठीक सामने वाला पी आ, जो बच गया वो बी। एच के मान में नो चेंज, एच कहता है नो चेंज, मुझे तुम बदल नहीं सकते, नो चेंज। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा हम स्लाइड कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं इसको ताकि आप अवनमन कुंड हम इसके बाद देखते हैं। देखिए अवनमन कुंड क्या कहता है, मीनार या किसी स्तंभ के शिखर से देखने पर भूमि के किसी बिंदु के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। यानी एक मीनार रहेगा इसके शिखर, अर्थात हम यहाँ से देखेंगे, इस पर कहाँ से देखेंगे, ठीक यहाँ से देखेंगे देखेंगे और जो भूमि के नीचे, यानी भूमि के नीचे ना, तो भूमि तो नीचे हो गया, यहाँ कहीं भी यहाँ जो कोण बने, यहाँ से देखेंगे यहाँ जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। ये तो मिल जाएगा क्योंकि भूमि है, ये तो सेम रहेगा, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ जो बनेगा कोण उसे क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं। एक बात कहिएगा, जब हम छत ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर जाते हैं तो सर्वप्रथम नज़र हमको नीचे जाता है या ठीक सामने जाता है, तो सर्वप्रथम हमको नज़र पहले इधर जाता है, सामने, ठीक सामने, कहा जाता है गाइस, ठीक सामने जाता है। उसके बाद मेरा नज़र कहाँ जाता है, तब जाता है भूमि के ओर जाता है, तब जाता है नीचे भूमि के ओर, तब जाता है नीचे भूमि के ओर जाता है। तो देखिए यहाँ से जो कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण, कौन कौन, अवनमन कोण, यहाँ बना देगा कोण, है ना, यहाँ कोण बनेगा तो यहाँ भी बन जाएगा क्योंकि एकांतर कोण लगता है इसी में, है ना, तो कौन कौन हो जाएगा ये, अवनमन कोण। तो देखिए अवनमन कोण भी सेम रहेगा, ये ए और बी और ये सी, इसके कोण जहाँ बना उसके सामने वाला पी, ठीक ना, अवनमन कोण ठीक ऊपर बनता है और अवनमन कोण ठीक नीचे बनता है, इस बात को याद रखिएगा। इस सामने वाला अगर यहाँ से कोण बना तो ये वाला पी हो जाएगा, ये वाला तो बी होगा क्योंकि ये पी है, तो ये वाला बी, और एच के मान में नो चेंज क्योंकि ये समकोण है, है ना। यह समझ में आ गया होगा कि मीनार या किसी स्तंभ के शिखर से देखने पर भूमि के किसी बिंदु के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। कहाँ से हम शिखर से देखे हैं और कहाँ देखे हैं, भूमि के किसी बिंदु को देखें, यानी भूमि के किसी बिंदु को देखें, जो भूमि का नीचे बिंदु है उसको देखें, ठीक है गाइस। तो अवनमन कोण कहलाता है, ये तो समझ में आ गया। देखिए शिखर से और भूमि की ओर जो देखता है इस रेखा को क्या कहते हैं, है ना, तो इस रेखा को यहाँ शिखर से देख रहा है, यहाँ इस सामने अवनमन कोण तो सामने बनता है ना, यहाँ बनेगा अवनमन कोण ठीक सामने, ये जो पहले यहाँ देखेगा यानी ए से सी की ओर देख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। कथी रेखा, कौन रेखा, तो दृष्टि रेखा, कौन रेखा, दृष्टि रेखा, इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। यानी ए को सी की ओर जो देखा तो क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा। और ए से देखिए, ए से और ये जो बिंदु मान के चलिए कोई ओ है, मान लेते हैं ओ है, ओ की ओर देखा तो ये क्या कहलाएगा, ए से ओ की ओर देखा तो क्या कहलाएगा, बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्षितिज, क्षितिज अस्तर, क्या क्षितिज अस्तर, क्या क्षितिज। पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इसमें जो आपको जो चीज़ आपको काम में आएगा वो चीज़ आपको हम बता देते हैं। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये चीज़ हम आपको दिखा दिए थे कि एक त्रिभुज बनाए थे, है ना, एक त्रिभुज बनाने के बाद आपको यहाँ से दिखा दिए ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, ये तो आप जो दिखा चुके हैं। उसके बाद देखिएगा सेकंड कि एकांतर कोण के नियम से उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, हम आपको ये भी दिखा दिए थे कि ठीक सामने यहाँ अगर जा रहा है अवनमन कोण, अवनमन कोण ठीक ऊपर पहले देखता है उसके बाद नीचे, तो अवनमन कोण यहाँ जा रहा और ये कोण बनाया तो ये कोण भी बराबर होगा, कौन कौन से कोण के नियम से, तो एकांतर कोण के नियम से। उसके बाद देखिएगा उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, ये तो हम दिखा देते, फिर से आपको उसी उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, ठीक है, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, आपको दिखा देता है अवनमन कोण कहाँ बनता है गाइस, हमेशा ऊपर बनता है, ठीक है। चलिए इसमें लगा कुछ सूत्र मान दे, चलिए इसमें लगा कुछ सूत्र मान देखते कि इसमें क्या चीज सब लगेगा आपको, ठीक है, वो देख लीजिए। इसमें आपको 37 डिग्री का मान, इसमें संबंधित जो आप इस पार्ट को बनाइएगा तो आपको क्या सब याद रहना चाहिए वो देख लीजिए, आपको 37 डिग्री का मान याद होना चाहिए। 37 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहिए कितना होता है, तो 1/2 होता है, 1/2 यानी 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। उसके बाद 33 डिग्री का मान कितना होता है, तो 33 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 यानी
वन अपॉन और रूट थ्री। उसके बाद साइन, अगर उसके बाद देखिएगा साइन 60 डिग्री है, साइन 45 डिग्री और टेन 45 और टेन 60, इससे ज़्यादा आपको मान नहीं लगेगा, इतना ही माना पूरा 9 लेसन बनाने में। इसके बाद आपको चैप्टर समाप्त है। तो देखिए इसके ज़्यादा आपको वैल्यू उसमें देना नहीं पड़ेगा। चलिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितने होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान 3/√2 होता है, 3/√2 होता है। उसके बाद 10/45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10/45 डिग्री का मान 1 होता है, 10/45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। उसके बाद 10/60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10/60 डिग्री का मान 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है। गाइस एक बात हम कहेंगे सर कि इस बात को आप याद कर लीजिए कि 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 10/60 डिग्री, 10/60 डिग्री का मान जो भी हो, 10/60 डिग्री का मान 3 होता है, और 10/30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 60 डिग्री का मान 3/2 होता है, 60 डिग्री का मान 3/2 होता है। ये सब याद कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है, बनाने में बहुत मज़ा आएगा इस लेसन को। अब √3 बराबर क्या होता है, तो √3 का कभी कभी आप देखिएगा आपको वैल्यू डालना पड़ेगा, तो इसलिए √3 का जो मान डालना पड़ेगा आपको 1.732 होता है, 1.732 होता है। तो चलिए ये हमारा परिचय का जो सेक्शन है ये ख़त्म हो गया, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कहिए।